जय गुरु। चलंतु आम देखिया अखिल भारतीय 40तम सत्संग चिकित्सक सम्मेलन जहाँ कि 5 अक्टोबर 2014 अनुष्ठित होता। से चिकित्सक बा डॉक्टर मानकर किसी मतामत उपरे आलोचना करिवा। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज आसिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी रो डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती रोग प्रतिरोधरे निरामिष आहार प्रयोजनीयता उपरे आलोकपात करी कहती निरामिष आहार को ठाकुर सत्ता पोषणी सहजपाच्य विश्लेषणी दृष्टि से उपस्थापन करछंती। केवल शाकाहारी माने ही निरामिषाशी हो भी न पारे। आमिष शब्द आसी अम धातु अर्थात जहाँ रोग बहन करे। ठाकुर सहज भाषा जहाँ विष बहनी हुए से ही अर्थे जेकोसी धरणर बासी खाद्य भी रोग बहन करे। तेणु साधारण अर्थर बासी खाइबा निरामिष हेले भी गुण वैशिष्ट से आमिष। कालकाटा पीजे हॉस्पिटल रो रेडियोलॉजी विभाग प्रधान अध्यापक स्वदाप्रिया बसुदा रोगी चिकित्सा परिसेवा रे चिकित्सक दायित्व कर्तव्य यही विषय उपर आलोचना करती। से कहती रोगी चिकित्सा और परिचर्या कि प्रकार होगा उचित यार प्रकृष्ट उदाहरण हेले श्री ठाकुर। चिकित्सक हिसाब से श्री ठाकुर एक समय जीवन आरंभ करते रोगी प्रति दरदी अनुकंपा और सेवा दे से लक्ष लक्ष मनीषर हृदय जय कर डॉक्टर बसु कहते केवल प्रेसक्रिप्शन प्रदान नुहे प्रत्येक मनीष को जीवनीय दिगर उद्दीप्त करवा चिकित्सक महान दायित्व होगा उचित। डॉक्टर बसु वक्तव्य उपरे संजयन घटाई डॉक्टर स्वपन कुमार विश्वास कहती दयाल ठाकुर आम मानकर भव रोगर चिकित्सक आम मानकर अतुलनीय प्रेसक्रिप्शन है जजन माने स्वास्थ्य और सदाचार सुरक्षा जजन परिवेश संगठित करवा इष्टवृत्ति कठिन परिस्थिति रे इंजेक्शन प्रयोग एवं सस्टेन उपयुक्ति पथ्य ग्रहण इत्यादि। मेदिनीपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज विशिष्ट अध्यापक डॉक्टर व्योमकेश बेहरा कहती आम समस्त ही खूब स्वाभाविक भाव निजक सुस्थ रखा चाहूँ किंतु यही सुस्थ रखार प्रधान उपादान हूँ मन ए मन को सुस्थ रखाटा अनेकटा निर्भर कैर परेश छाड़ा खावा पीवा भी गोटे विशाल फैक्टर। ठाकुर तेणु आम मान सुषम सहजपाच्य खाद्याभ्यास विशेष जोर दे रोग हेले रोग प्रशमन औषधर प्रयोजन रही निश्चय ही किंतु औषध उपर निर्भर करी सदाचार सम्मत चलन और सुस्थ मनोविकाश नामध्यान भी विशेष प्रयोजन। जय गुरु।